જી સ્વામી તમારી વાણી માહે ગુરભીરમાં સિંચણ હાર નવે ખંડે મે સિંચારો પ્યા સ્વામી સિંચે અનત પાર ऐ मौला, आपकी बनाई हुई इस बाग नुमा दुनिया में इंसान को हिदायत के लिए पीर पैगंबर जो कि गुरु भीरमा के अवतार की सूरत में एक माली की तरह हिदायत से इंसान की हयात को एक खूबसूरत बाग की तरह सरसब्ज हरा भरा और फलता फूलता रखते हैं, पूरी दुनिया नुमा बाग में हिदायत से सैराब कर रहे हैं। એ જી એક સરોવર સિંચારો પ્યા એક હરિયા દુજા સુકા નુગરેરા નહીં રે પાઈ ભાઈ સત વિનાતે सुका। एक ही किस्म के दो दरख्त लगाए जाते हैं, एक ही तरह से देखभाल भी की जाती है, लेकिन एक हरा भरा और दूसरा सूखा होता है। इसी तरह सारे इंसानों में इमाम की हिदायत हासिल करने वाले सरसब्ज यानी दीनों दुनिया में कामयाब और बाकी इंसान हिदायत के बगैर सूखे दरख्त की तरह नजर आते हैं यानी गुमराह। ऐसे इंसानों के दिल में हिदायत न होने की वजह से वो मुरझाए हुए नजर आते हैं। ऐ जी जो जड़ कापो पापनी भाई तो जीव हरिया हो या शीश कापी गुर दिल बेसण दीजे तो गुर नर बेली हो या। जो गुनाह तुम करते हो उसकी जड़ काट दो, यानी गुनाह के काम ना करो, ताकि तुम्हारी रूह सरसब्ज यानी ताकतवर हो जाए। और अगर हमारे शाह और पीर सर को कलम करने को भी कहें तो भी बिला झिझक दे दो, तब हमारे वजूद में मौला बस जाएंगे। ए जी गुर नर बेली तेनी वाट सोहेली शब्द पतियणा जे हाँ जेवी ते करणिये जीवड़ो छूटे तेवी करणिये कीजे स्नेहा जेवी ते करणिये जीवड़ो छूटे तेवी करणिये कीजे स्नेहा। जिसके मददगार शाह और पीर हैं उनका रास्ता बहुत आसान होता है। वो इंसान मजहब की परवरिश बिना किसी झिझक के करता है, क्योंकि उसको शाह पीर के फरमान पर पूरा एतमाद है। जैसे आमाल करने से रूह को निजात मिले, वैसे ही आमाल अंजाम दे, और ऐसा खालिस इश्क से करना चाहिए। ऐ जी दास दोष नमी खमी चालो लियो क्षमैया बेली एक रंगा नर पतियाणा भाई तेनी वाट सोहेली।
बंदा खुद एक गुनहगार है और छोटे से छोटा इंसान है, ऐसा समझ के रहें, दरगुजर और हलीमी से रहें, दूसरों की गलतियों को माफ़ कर दें, हर वक्त मौला की मदद मांगते रहें। ऐसे मोमिनीन हमेशा एक ही रंग के होते हैं और ऐसे मोमिनीन का हर कोई भरोसा करता है और ऐसे मोमिनीन की निजात का रास्ता आसान होता है। ए जी मिलो रे खीसर मेरा, मिलो भाई अपना जीवड़ा ने खातर, वो हो रो वस्तु चार माणिक धरो नीलाड, भाई पंज भूने तमे वारो। अपनी रूह को रूहानी खुशी हासिल हो इस तरह लोगों से मेल मिलाप करो और जहां ना इत्तफाकी हो वहां सुलह करवा कर उन लोगों को भी मिलाओ। मजहब के चार दर्जात शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत पर बिल्कुल होशियार होकर चलो और इन चार दर्जात को हीरे जवाहरात समझकर दिमाग में जगह देकर रूहानी सुख हासिल करो और पांच बुराइयां नफसानी ख्वाहिशात, गुस्सा, लालच, दुनियावी लगाव और तकब्बुर पर काबू रखो। ए जी अपना बाना दूर चुकावो, गुर का गिनान कमावो, नर पर सादे पिर शम्स बोलिया, सचा स्वामी ने आ राधो, नर पर सादे पिर शम्स बोलिया, सचा स्वामी ने आ राधो। अपने बहानों से दूर रहो और पीर के गिनानों से सहारा लेकर सबक सीखो। मौला की नवाजिश से पीर शम्स इस गिनान में समझाते हैं कि तुम अपने सच्चे मौला की इबादत करो। मंदरजा बाला तर्जुमा, वजीर जाफर अली भाई राय अबजी भाई भलवानी सनोसर वाला की तरफ से किया गया। गुजराती से उर्दू तर्जुमा एहतशाम अली की जानिब से किया गया।